नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं तीतराज कुशराज के बारे में। जो तीतराज कुशराज एक तालाब है और ब्रह्मगिरी पर्वत की तलैटी में त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 200 मीटर आगे है। और कहा जाता है यहाँ पर जब हर 12 साल में कुंभ लगता है, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, त्र्यंबकेश्वर और एक जगह और है इलाहाबाद में। तो यहाँ पर क्या है, आप जाएंगे जगह जगह मंत्र उच्चारण, बहुत सारे मंदिर बना दिए, पहले ओपन प्लेस था, ये पूजा पाठ देखने को मिलेगा। कभी भी आप त्र्यंबकेश्वर में दर्शन के लिए जाइए तो पहले यहाँ स्नान करिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि इस कुंड के अंदर जो आप ये रेलिंग देख रहे हैं वहाँ पर गुप्त गोदावरी जी, यानी नीचे से अपने आप पानी निकलता रहता है। गोदावरी का उद्मुख है ऊपर पहाड़ पर, ब्रह्मगिरी पहाड़ पर, लेकिन यहाँ से एक धार फूटती है। और ये ऐसा मानना है कि महर्षि गौतम जी से एक कोई गाय का वो हो गया था, ब्रह्म हत्या लग गई थी, गाय मर गई थी, तो उन्होंने स्वयं भोले बाबा को प्रसन्न करके यहाँ बुलाया था त्र्यंबकेश्वर में, और भोले बाबा के साथ में आई थी गंगा जी। गंगा जी का ही एक रूप होता है गोदावरी, ऐसा माना जाता है। नर्मदा, गोदावरी, गंगा जी, ये नदियाँ क्या है, ये अमृत है, ये जल नहीं है, ये नदी नहीं है, ये अमृत है। तो कभी भी आप नासिक आइए, त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करिए, तो इस कुंड में जरूर नहाइए, बहुत ही अच्छा पानी है। धन्यवाद।